गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल नेम आइडियाज के बारे में, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं लेकिन कोई नाम अच्छा सा ध्यान में नहीं आ रहा है कि कैसा नाम हम लोग रखें। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगा जिसके इस्तेमाल से आप लोग अपने चैनल का नाम रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक जरूरी बात यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने चैनल का नाम रखने जाएं, सबसे पहले YouTube पे जाके सर्च कर लें कि उसी नाम से कितने चैनल बने हुए हैं और उनपे सब्सक्राइबर कितने हैं। अगर आप लोग भाई देखते हो कि उसी चैनल से एक चैनल है जिसपे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है या फिर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और उसपे भाई वेरीफाइड टिक है, तो भाइयों आप उस चैनल का नाम मत रखना, वरना आपका चैनल कभी भी रैंक नहीं करेगा। जब भी कोई उस नाम को सर्च करेगा तो वो दूसरा चैनल ही टॉप में आएगा। और भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोग भाइयों मेरा एक चैनल है जिसका नाम है प्रकाश चौहान, अगर आप लोग उसी नाम से चैनल बनाते हो और आपके उस चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं और आप लोग भाई उस पे वेरीफाइड टिक लेना चाहते हो, तो आपको वेरीफाइड टिक नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने उस चैनल के नाम से अपने चैनल पर वेरीफाइड टिक लिया हुआ है। तो ये दोस्तों आपको बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आप लोग भाई सेम नाम से चैनल बनाते हो जिसपे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है और ऑलरेडी भाई उस पे वेरीफाइड टिक है। और दोस्तों हो सकता है कि आपके भाई 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो जाए फिर भी दोस्तों आपका चैनल रैंक नहीं करेगा, तो ये दोस्तों चीज होती है। तो आपको भाई सबसे पहले यही देखना है कि जिस नाम से आप अपने चैनल का नाम रखना चाहते हो उसी नाम से कोई दूसरा चैनल है तो नहीं, वरना आपका चैनल रैंक नहीं करेगा और ना ही ग्रो करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज कुछ चैनल नेम आइडिया देता हूं जिसके इस्तेमाल से आप लोग भाई अपने चैनल का नाम रख सकते हो। तो सबसे पहली भाई कैटेगरी है कुकिंग। अगर आप लोग भाई कुकिंग के रिलेटेड चैनल बना रहे हो तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक आइडिया ये देना चाहूंगा कि आपका जो नाम है उस नाम के पीछे लिख दो कुकिंग। जैसे कि आपका नाम है प्रकाश, तो प्रकाश कुकिंग या फिर प्रकाश की कुकिंग, तो ऐसा आप लोग नाम रख सकते हो, या फिर हिंदी में रखना चाहो प्रकाश की रसोई, तो ये आप लोग रख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेम आइडियाज है जैसे कि होम सेफ कुक्स, इसके अलावा भाई आफ सेफ कुकिंग, मेरी कुकिंग, ऐसा नाम लोग आप डिसाइड कर लो। और भाई आप लोग कुकिंग के रिलेटेड चैनल बना रहे हो तो भाई आप चैनल का जो नाम रखे हो उसके पीछे या फिर आगे कुकिंग जरूर एड कर देना, जिससे दोस्तों लोगों को पता चलेगा कि ये जो चैनल है वो कुकिंग के रिलेटेड है, तो वो आपके चैनल को जाके देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करते हो कि आप अपने चैनल का नाम, एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आप लोग अपने चैनल का नाम टेक्निकल प्रकाश रखते हो और उसमें कुकिंग की वीडियो डालते हो, तो लोगों को बाहर से लग जाएगा कि ये टेक्निकल चीजें डालता होगा, तो लोग आपके चैनल को देखेंगे नहीं। तो आपको भाई ये ध्यान में देना है, आप भाई जिस कैटेगरी में चैनल बना रहे हो, जो चैनल का आप लोग दिखाना चाहते हो, जो वीडियो बनाना चाहते हो, उसी के रिलेटेड आपको चैनल का नाम रखना है। और अब भाई बात करते हैं हम लोग दूसरी कैटेगरी के बारे में जो की सबसे पॉपुलर है, वो है भाई टेक्निकल। ये आप लोग जानते होंगे। और आप लोग भाई टेक्निकल चैनल बनाना चाहते हो तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ चैनल नेम आइडिया देना चाहूंगा। जैसे कि आपका नाम है भाई प्रशांत, तो टेक्निकल प्रशांत या फिर टेक विथ प्रशांत, तो ऐसा नाम आप लोग रख सकते हो। आप लोग भाई अपने नाम में टेक शब्द का जरूर इस्तेमाल करें ताकि लोगों को पता चल सके कि आप लोग भाई इसमें टेक्निकल चीजें बताने वाले हो, या फिर आप लोग अनबॉक्सिंग वाला चैनल बना रहे हो जिसमें आप लोग केवल अनबॉक्सिंग करोगे, तो अनबॉक्सिंग विथ मी, या फिर माय अनबॉक्सिंग, या फिर प्रशांत की अनबॉक्सिंग, या फिर टेक्निकल अनबॉक्सिंग, ऐसा नाम आप लोग रख सकते हो। ये टेक्निकल नाम के साथ बहुत ज्यादा जचेगा और ये चीजें आप लोग बता सकते हो जिस फील्ड में भाई आप लोग वीडियो बनाने वाले हो, और उसी फील्ड के रिलेटेड आपको अपने चैनल का नाम भाई रखना है ताकि लोग जान सके कि आपके चैनल में है क्या, वो उनको चैनल का नाम पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये चैनल इसके बारे में है, तो ये आप लोग समझ सकते हो। और दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट की तीसरी कैटेगरी के बारे में जो की है भाई एजुकेशन। अगर आप लोग भाई एजुकेशन के रिलेटेड चैनल बना रहे हो और उसमें आप लोग सिखा रहे हो, तो आप लोगों को भाई अपने चैनल का नाम कुछ ऐसा ही रखना है जिसमें एजुकेशन से जुड़े आने चाहिए। जैसे कि आप अपने नाम से भी चैनल बना सकते हो जैसे कि प्रकाश लर्निंग, या फिर मैथ लर्न विथ मी, या फिर भाई आप लोग लर्न एंड अर्न भी रख सकते हो, यानी कि सीखो और कमाओ, इसके अलावा पढ़ो और पढ़ाओ, ऐसे नाम आप लोग रख सकते हो, या फिर आप लोग गणित सिखा रहे हो तो गणित सीखो। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भाई चैनल का नाम रख सकते हो जिसमें लर्निंग होनी चाहिए और किस बारे में आप लोग बता रहे हो उसके रिलेटेड आपको अपने चैनल का नाम डिसाइड कर लेना है। उसके रिलेटेड आपको वर्ड्स को यूज करना है अपने नाम के आगे या फिर पीछे, या फिर ऐसे भी आप लोग रख सकते हो जैसे कि मेरी पाठशाला, आपकी पाठशाला, ऐसा नाम आप लोग डिसाइड कर सकते हो एजुकेशन के बारे में। और गाइस अब हम बात करते हैं एक और कैटेगरी के बारे में
में जो कि है भाई वो व्लॉग्स। और आज के समय में भाई वो काफी सारे व्लॉगर्स हैं, ये आप लोग जानते होंगे और काफी सारे बनना भी चाहते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड चैनल नेम क्या होना चाहिए, आप अपने चैनल का नाम क्या रखोगे? तो भाई वो एक तो सबसे आसान और सिंपल सा तरीका है कि आप लोग अपने नाम के पीछे ब्लॉग लगा दीजिए। जैसे कि भाई मेरा एक चैनल है प्रकाश चौहान व्लॉग्स के नाम से, जहाँ पे मैं व्लॉग्स वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप भी अपने नाम के पीछे ब्लॉग लगा सकते हो। इसके अलावा भाई आप लोग एंटरटेनमेंट व्लॉग्स, दुनिया के व्लॉग्स, ऐसा नाम आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ब्लॉग 2.0 ऐसा आप लोग चूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप लोग अपने चैनल का नाम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन भाई अगर आप लोग ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग शब्द का जरूर इस्तेमाल करें अपने चैनल नाम में, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ ये ब्लॉग का चैनल है। तो दोस्तों ये वो कुछ आइडियाज थे जिसके इस्तेमाल से आप लोग अपने चैनल का नाम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में कोई और डाउट है, किसी और कैटेगरी के बारे में जानना हो, तो कमेंट करके जरूर बता देना। और आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।